हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स और हम पढ़ रहे हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन का नेक्स्ट पार्ट आज आप के लिए लेके आया हूँ, पार्ट सेवन। देखो, हम प्रगुण पर आधारित क्वेश्चन कर रहे हैं जो स्पेशल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है, जिसमें मैंने प्रीवियस जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराया वहाँ आपने देखा कि हम प्रॉपर्टी को किस तरह से यूज़ करेंगे। आज हम उसके कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं और डिफिकल्ट, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल को ग्रेजुअली मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। अब तक आपने प्रॉपर्टी अच्छे से लर्न कर लिया होगा, तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे बेसिकली वो मॉड पर बेस्ड है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पैटर्न के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लगभग आते ही हैं, इसलिए आपको उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है और ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। चलिए, तो इसका कोई फंडामेंटल नहीं, मैं सीधा क्वेश्चन के बेस पर आपको समझाता हूँ। एक एक क्वेश्चन लेके चलते हैं हम और एक एक क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करते जाते हैं, ओके। तो एक क्वेश्चन में लिया, फर्स्ट क्वेश्चन, 0 to π/2 sin 2x log 10x I = 0 to π/2 sin 2x log 10x dx। देखो, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ही क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर टू फंक्शन है, एक sin 2x है, एक log 10x है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है क्वेश्चन। ये लिमिट देखने के बाद हमको समझ में आता है कि लिमिट को हम 0 to a के फॉर्म में हैं तो हम a माइनस एक्स के फॉर्म में उसको चेंज करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ रेयर क्वेश्चन है। जनरली आपको मैं अपने हर क्लास में डिस्कस करता हूँ कि मैं जो क्वेश्चन आपको कराता हूँ वो स्पेशल कलेक्शन होता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन तो मैथमेटिक्स में बहुत हैं। मेरी कोशिश होती है कि जितने क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूँ अपने वीडियो में, 80-90% क्वेश्चन उसके आपके एग्जाम में सीधा आना चाहिए, कॉन्सेप्ट वाइज भी इंपॉर्टेंट हो और बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग भी वो इम्पॉर्टेंट हो। तो इन प्रश्नों को आपको बहुत अच्छे से करना है। देखिए, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम 0 to a वाला प्रॉपर्टी लगाते हैं, बाकी आप समझ जाएंगे। प्रॉपर्टी चूंकि आप अच्छे से लर्न कर लिए होंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और लर्न नहीं किया तो पहले प्रॉपर्टी लर्न करो। 0 to π/2 यहाँ पर हम लगा देते हैं sin 2, इसको लिख सकते हैं क्या, π/2 माइनस एक्स इंटू लाग 10 π/2 माइनस एक्स dx, क्लियर, ये हो जाएगा। दैट इक्वल, अब आप यहां पर देखो 0 to π/2 sin 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो sin 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो sin π माइनस 2x इंटू लाग 10 π/2 माइनस एक्स, π/2 लाग 10 π/2 माइनस एक्स dx, ओके। अब देखो यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। दैट इक्वल 0 to π/2 tan 180 माइनस थीटा, 180 में नो चेंज, तो ये होगा माइनस होता है, माइनस सामने आ जाएगा, माइनस sin 2x इंटू लाग 10 90 माइनस थीटा काट थीटा, 10 180 माइनस 2 थीटा वो तो प्लस होता है, लाग 10 180 माइनस थीटा ये तो 10 थीटा होगा। एक मिनट, आपका एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, लिखने के पहले आपको समझाता हूँ। पहले sin 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये साइन थीटा ही होता है, और यदि हम देखें यहाँ पर log 10 π/2 - x दैट इक्वल, ये हो जाएगा लाग, ये होगा काट, लिखने से पहले आपको अलग समझा रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा काट x होगा,
यदि हम इसको 10 में चेंज करना चाहें तो 10 में चेंज करना चाहें तो क्या होगा, 1/10 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस लॉग 10x। तो वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला से मैं कैसे चेंज करूँगा ये मैंने आपको रफ में करके बताया, आप ध्यान से समझना, ठीक है। एक बार और इसको ध्यान देना, ये हम साइन 180 माइनस थीटा, 180 मतलब पाई को हम साइन थीटा लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं माइनस लॉग 10x। इस फार्मूला को हम यहाँ पर यूज़ करें तो देखो क्या लिख देंगे, माइनस को मैंने बाहर लिख लिया और साइन का हो जाएगा साइन 2 थीटा, मतलब यहाँ पर साइन 2x हो जाएगा। ये हो गया, कलर चेंज कर दूँ, ये हो जाएगा साइन 2x इंटू लॉग। ऐसा करने का फायदा क्या हुआ, इसको 10 बनाने का क्या फायदा हुआ, अभी आपको समझ में आएगा। ये हो गया, ओके। इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, दैट इक्वल माइनस, ये दोबारा क्वेश्चन हो गया 0 to π/2 साइन 2x log 10x। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, माइनस आई, इसको अगेन माइनस आई लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में तो आई है ही है, दैट इम्प्लाइज इसको इधर ट्रांसफर करें तो हो जाएगा 2y = 0, दैट इम्प्लाइज i = 0, ये i = 0 ये हमको मिल जाएगा, ओके। तो देखो इस क्वेश्चन का स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, इस क्वेश्चन को मेरा कराने का पर्पज़ ये है कि यहाँ पर आप एक बात ध्यान दे रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं होता, ये अगेन आई क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे, देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन हमने किया ही नहीं, हमने एक प्रॉपर्टी लगाया और प्रॉपर्टी लगाने से हमारा जो क्वेश्चन था वो अगेन क्रिएट हो गया और अगेन वो माइनस के फॉर्म में ही क्रिएट होगा, ध्यान रखना ये माइनस के फॉर्म में ही क्रिएट होगा, प्लस के फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि प्लस के फॉर्म में होगा तब तो नॉट डिफाइन, दोनों साइड से पाई आई आई कैंसिल आउट होएगा, तब तो उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। तो ये एक स्पेशल पैटर्न है जो देखो कभी भी खासकर डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो लेंदी नहीं होते, वो बहुत लंबा नहीं होता, छोटा होता है, बट उसमें कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आपको नोटिस करना है कि जैसे ही हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे और उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद वो माइनस आई बन जाएगा और 2i होके ये 0 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इसी तरह के स्पेशल कलेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। जनरली हम ट्रेडिशनल क्वेश्चन बना लेते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जो क्वेश्चन कुछ स्पेशल टेक्निक पर होता है उनको ज़्यादा केयर करना चाहिए, ओके। चलिए ये क्लियर हो गया होगा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, i = -3 to 3 mod of x dx। एक बात आपको बता दूं, मैं इसको क्वेश्चन को बताने से पहले, मॉड वाले जितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मॉडुलस वैल्यू वाले, ये मापांक वाले जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे, सब के सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन प्रायः आता ही है और कॉम्पिटिटिव के लिए तो पूछो ही मत कितना इंपॉर्टेंट है। उसका कारण है कि यहाँ पर ये जो मॉड होता है उसको हम किस तरह से ब्रेक करेंगे। तो बेसिकली आज का जो मेरा क्लास है वो मॉड वाले क्वेश्चन पर ही बेस्ड है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मॉड वाले क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं और एक स्टूडेंट का इस चैप्टर पर मॉडुलस वैल्यू वाले, मापांक मान वाले क्वेश्चन पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमांड होना चाहिए। वो चीज़ों को इतनी बारीकी से समझें कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान देना, आज बेसिकली मैं इसी पैटर्न को लेकर चल रहा हूँ। तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके हम लिमिट को ब्रेक करते हैं। लिमिट किस बेस पर ब्रेक करते हैं, देखो लिमिट ब्रेक करने का हमारा आधार क्या है। हम मॉड एक्स को देखते हैं कि मॉड एक्स, ये जो -3 से 3 वैल्यू है उसमें किस रेंज पर वो निगेटिव वैल्यू देगा और किस रेंज पर पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो नेचुरली हमको पता है कि -3 से 0 तक क्या होगा, ये <0 होगा, 0 से छोटा होगा, और 3 से बड़े वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर देन होगा। तो <3 के लिए वो क्या हो, 0 के लिए वो निगेटिव देगा और आगे के वैल्यू के लिए पॉजिटिव देगा। तो इसको दो पार्ट में हम क्वेश्चन को ब्रेक कर लेते हैं, कैसे, एक कर लिया हमने -3 to 0 और ये मॉड एक्स डी एक्स, एक पार्ट ये हो गया। ये आपको प्रॉपर्टी याद होगा, प्रॉपर्टी a to c, मैंने आपको बताया था मेरे खास 5th नंबर का प्रॉपर्टी होगा। तो a to c प्लस c to b को हम a to b लिख सकते हैं, मतलब हम लिमिट को, अब प्रॉपर्टी आप दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए आपके, यदि आज के डेट तक भी आपने प्रॉपर्टी अच्छा तैयारी नहीं किया है तो फिर आप बहुत लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि मैं 2-4 दिन के गैप के बाद ही ये क्लास लेके आ रहा हूँ। तो आपको प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए और हो गया तो इमीडिएट होगा। तो हमने एक पार्ट ले लिया -3 to 0 और उसके बाद फिर ले लिया -3 to 3,
mod of x dx। ऐसा क्यों किया? क्योंकि नेचुरली इस रेंज पर माइनस थ्री टू जीरो के लिए माइनस वैल्यू देगा और माइनस थ्री से थ्री के बीच के लिए ये सॉरी जीरो, यहाँ जीरो हुआ। अब जीरो से जीरो से थ्री के लिए क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो उसके मॉड की वैल्यू को अपन लिख देते हैं मॉड हटा के, दैट इक्वल माइनस वैल्यू देगा तो माइनस लिख दिया माइनस थ्री टू जीरो। अब मॉड को हटा दो एक्स डी एक्स और तो प्लस वैल्यू देगा तो ये हो जाएगा जीरो टू थ्री एक्स डी एक्स। क्लियर? अब जब इसका इंटीग्रेशन होगा दैट इक्वल टू माइनस, तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस थ्री टू जीरो प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू जीरो टू थ्री दैट इक्वल माइनस वन अपॉन टू को बाहर लिख लो। अब इसके जगह अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या होगा जीरो, तो जीरो हो गया माइनस लोअर लिमिट तो माइनस थ्री का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू कॉन्स्टेंट को हमने बाहर लिख दिया, अपर लिमिट क्या है थ्री तो ये हो जाएगा थ्री का स्क्वायर और यहाँ पर प्लस सॉरी माइनस माइनस लोअर लिमिट तो हो जाएगा माइनस जीरो दैट इक्वल सॉल्व करवा गए माइनस थ्री का स्क्वायर मतलब नाइन, नाइन अपॉन टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दिस इज नाइन अपॉन टू और ये भी हो जाएगा नाइन अपॉन टू। ठीक है तो ये कितना हो जाएगा एट्टीन अपॉन टू मतलब नाइन, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है क्या आंसर आता है नाइन। ओके तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आप देखो इंपॉर्टेंट बात क्या था, देखो हर क्वेश्चन में क्वेश्चन बना लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन बनाने के बाद उसको आपको थोड़ा एनालिसिस करना है कि भाई इस क्वेश्चन में स्पेशल बात क्या था, विशेष बात क्या था। तो सबसे स्पेशल बात यहाँ पर क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि हम लिमिट को ये कैसे ब्रेक करेंगे, इस यहाँ से यहाँ तक हमने कैसे लिया। ठीक है तो ये मॉड वाले क्वेश्चन में लिमिट ब्रेक करके ही बनाना है, जितने भी मॉड वाले क्वेश्चन है उसमें लिमिट ब्रेक करना है। ओके ये हो गया हमारा फाइनल। देखो क्वेश्चन छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई इक्वल इंटीग्रेशन मॉडुलस बेस्ट क्वेश्चन है आपको करा रहा हूं मैं अभी और कुछ इवन आर्ट फंक्शन वाले। माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू साइन टू द पावर फाइव एक्स डी एक्स, ये इवन आर्ट फंक्शन पर बेस्ड है। माइनस ए टू ए आपको प्रॉपर्टी याद होगा माइनस ए टू ए, ठीक है तो माइनस ए टू ए में यदि इवन आर्ट फंक्शन हो उसके लिए प्रॉपर्टी का सबसे पहले हम अपने फंक्शन को चेक कर लेते हैं कि फंक्शन है क्या। तो फंक्शन चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, चूंकि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन टू द पावर फाइव एक्स, इसको माइनस एक्स अपन रख के देखें तो साइन माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन टू द पावर फाइव माइनस एक्स दैट इक्वल माइनस साइन टू द पावर फाइव एक्स, ये हो गया साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है और इसको लिख सकते हैं माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, देयरफॉर ये फंक्शन क्या हो गया दिस इज द ऑड फंक्शन, ये हो गया विषम फलन। और आपको प्रॉपर्टी पता है यदि विषम फलन हो इस तरह से कोई फंक्शन क्या हो विषम फलन हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है जीरो, मतलब ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं माइनस ए टू ए फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो कब, जब फंक्शन ऑफ एक्स क्या हो ऑड फंक्शन हो, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है। इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करें तो देयरफॉर देखो क्वेश्चन एक लाइन का हो गया देयरफॉर आई इक्वल टू जीरो दिस इज द आंसर, क्योंकि हमने इसको क्या बता दिया ऑड फंक्शन। तो बहुत टेक्निकल होता है प्रॉपर्टी से, स्टार्टिंग में मैं आपसे डिस्कस करता था कि जब हम प्रॉपर्टी करेंगे तो प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन पूरे टेक्निक पर बेस्ड होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको सिक्स सेवन जो प्रॉपर्टी मैंने बताया वो अच्छे से लर्न होना चाहिए। ओके क्लियर है क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडुलस पर और क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो ये है जीरो टू फाइव मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री डी एक्स, जीरो टू फाइव मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री डी एक्स ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन को आप देखो लिमिट कैसे ब्रेक करें मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री, तो नेचुरली हमको पता है कि एक्स का वैल्यू थ्री के जाते तक, थ्री के जाते तक क्या होगा वो जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो से लेकर थ्री तक ये जीरो देगा उससे लेस वैल्यू देगा और जैसे ही थ्री से बड़ा होगा एक्स का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको लिमिट ब्रेक करना समझ में आ गया होगा, ये जीरो टू थ्री एक लिमिट होगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री
डी एक्स प्लस ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री डी एक्स और यहाँ पर लिमिट हो जाएगा 3 to 5। ये लिमिट ब्रेक करना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सीधा इसका इंटीग्रेशन करो x, एक बार इसका वैल्यू पुट अप करते हैं ना, एक बार वैल्यू पुट अप करने के बाद तो माइनस हो जाएगा इस रेंज पर, तो हो जाएगा 0 to 3 एक्स माइनस थ्री डी एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री डी एक्स 3 to 5 दैट इक्वल माइनस, इसका इंटीग्रेशन करें तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 का इंटीग्रेशन होगा 3x, ये 0 to 3 और प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3x 3 to 5 दैट इक्वल माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट को रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर वैल्यू को एक बार पुट करके ही लिखना, 3 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यहाँ पर 3 into 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस तो सभी 0 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर अपर लिमिट 5 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 into 5 और माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 into 3। ओके 3 into 3। अब यहाँ पर देखो इसको सीधा सॉल्व, सीधा अपन सॉल्व कर देते हैं। अब इसको सीधा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इक्वल यहाँ पर माइनस को मैं मल्टीप्लाई भी करते जा रहा हूँ, माइनस 9 अपॉन 2 और प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 9, इसके बाद हो जाएगा प्लस ये 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 और माइनस 15, ये हो जाएगा माइनस 9 अपॉन 2 और ये हो जाएगा प्लस 9। ओके प्लस माइनस कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया, इसको कैंसिल होना था, माइनस माइनस बाहर है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3x प्लस 3 to 5, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3x, अपर लिमिट लोअर तो इसका 0, ठीक है, इसका अपर और ये माइनस और प्लस, ठीक है, ये इतना लेंदी क्यों हो गया, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना। माइनस 9/2 और माइनस 9/2 को एक साथ साल्व करो, तो माइनस 9/2 कितना हो जाएगा साल्व होके, वो हो जाएगा माइनस 2 9/2, मतलब 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस 9, ये हो गया माइनस 9 प्लस ये 9 और वो 9 कितना हो जाएगा 18 और प्लस ये दोनों को हम साल्व कर लेते हैं, ये तो एलसीएम आ जाएगा 2, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं इनको एलसीएम 2 आएगा, तो एलसीएम 2 आने से ये क्या हो गया 25 माइनस 30 दैट इक्वल। अब इसको इजी करो, यहाँ से माइनस होगा तो कितना हो जाएगा ये और प्लस, प्लस नहीं यहाँ पर माइनस होगा, माइनस होगा और 25 में 30 माइनस हो गया कितना हो जाएगा 5, तो माइनस 5/2 माइनस 5/2। अब एलसीएम ले लें तो 18 माइनस 5 मतलब 13, ये हो जाएगा 13/2। देखें आंसर क्या आया है इस क्वेश्चन का, आंसर 30/2। ओके ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान से करना, 13/2 इसका फाइनल आंसर है। तो इस क्वेश्चन में क्या खास बात थी, यही स्टेप खास बात है इसका कि लिमिट को आप कैसे ब्रेक करोगे, उसके बाद तो कुछ नहीं कर रहे, इंटीग्रेशन करना है। तो मार्ट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, मार्ट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, वहाँ आपको केयर करना है कि लिमिट कैसे ब्रेक करना है, और लिमिट यदि प्रॉपर आपने रख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बार बार नोटिस करा रहा हूँ कि मार्ट वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन कई बार आया है, -π/2 π/2 2 साइन एक्स आई इक्वल -π/2 to π/2 साइन मॉड एक्स और प्लस कॉस मॉड एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पर मॉड किस में लगा हुआ है, एंगल में लगा हुआ है, क्लियर, और -π/2 से π/2 नेचुरली यहाँ पर जो मार्ट का वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू देगा,
तो सीधा हम माइनस सीधा प्रॉपर्टी माइनस ए टू ए की प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो माइनस ए से ए की प्रॉपर्टी यदि हम इसमें अप्लाई करें तो टू का सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये तो आर्ट फंक्शन हो ही नहीं सकता कि मॉडुलस के अंदर है। मॉडुलस के अंदर दैट मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, और जब ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, इसका वैल्यू डायरेक्ट मैं फार्मूला अप्लाई कर दूँ तो टू इंटू ये हो जाएगा क्या, टू इंटू जीरो टू पाई बाई टू, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या होता है इसको, माइनस ए टू ए होता है तो जीरो टू ए हो जाता है, तो जीरो टू पाई बाई टू ये प्रॉपर्टी हमने लगा दिया। और इसके बाद ये क्वेश्चन अब हमारा बन जाएगा टू साइन एक्स प्लस कास एक्स, अब मार्ट को हटा दोगे क्योंकि हमने मार्ट की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया, क्लियर। दैट इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेशन होगा, तो टू और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कास एक्स, माइनस कास एक्स हो गया, और प्लस कास एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, और ये जीरो टू पाई बाई टू। अब इसी तरह के एक और क्वेश्चन करा दूंगा, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कास एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पैटर्न का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हैं। दैट इक्वल ये हो जाएगा टू, आप सीधा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखें, तो अपर लिमिट क्या रखें, पाई बाई टू, तो माइनस टू कास पाई बाई टू प्लस साइन पाई बाई टू, माइनस लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कास जीरो प्लस सॉरी माइनस लोअर लिमिट है तो जीरो। दैट इक्वल टू, ये कास 90 क्या होता है जीरो, तो ये तो पूरा जीरो हो गया, ये होता है वन प्लस वन हो गया, प्लस टू इंटू कास जीरो है, कास जीरो क्या होता है वन, तो कितना हो जाएगा टू इंटू वन और माइनस जीरो। दैट इक्वल टू टू, ये वन प्लस टू ये हो जाएगा थ्री, और थ्री टू जा सिक्स, दिस इज फाइनल आंसर, ओके। ये फाइनल आंसर है, इस तरह से ये जो क्वेश्चन है ये बनेगा सिक्स, इसका आंसर आएगा सिक्स, क्लियर। इसके और तरीके हैं, इसके और तरीके मतलब क्या है, इसको एक पार्ट अलग, इसको दूसरा पार्ट करके तो क्वेश्चन लेंदी बनेगा, पहले आप साइन एक्स के लिए फिर कॉस एक्स के लिए, ऐसा भी हम पार्ट पार्ट में बना सकते हैं, लेकिन जस्ट डबल स्टेप हो जाएगा, इसलिए ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ करना ज़्यादा बेटर है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह के एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, कई एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, साइन मॉड एक्स प्लस कास मॉड एक्स, साइन मॉड एक्स प्लस कास मॉड एक्स, सेम क्वेश्चन है, आया है करके मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, कई बार पूछा गया है करके इसको बता रहा हूँ, साइन कास का मॉड जनरली पूछता है, और साइन और कास के कॉम्बिनेशन में ही पूछता है। तो वहाँ पर बस टू था, इसमें टू नहीं है, देखो किस तरह से बनेगा ये, अब आप इसको समझ गए, एक तरह से रिविजन क्वेश्चन है ये, ये टू सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो टू पाई बाई टू, और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कास एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स, दैट इक्वल, अब इंटीग्रेशन कर दो तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कास एक्स प्लस कास एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और लिमिट हो जाएगा जीरो टू पाई बाई टू, दैट इक्वल टू सामने मल्टीप्लाई होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस कास पाई बाई टू प्लस साइन जीरो माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस हो जाएगा कास जीरो, माइनस का प्लस हो जाएगा, और माइनस ये साइन जीरो, ठीक है। दैट इक्वल टू टू, ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और यहाँ पर क्या होता है कास जीरो, कास जीरो वन, दैट इक्वल टू टू, आंसर इज फोर आंसर आया, कहीं पर लिमिट गड़बड़ कर दिए क्या हम, माइनस कास पाई बाई टू, ओह अपर लिमिट तो यहाँ पर मैं जीरो पुट कर दिया, अपर लिमिट तो क्या है पाई बाई टू है भाई, पाई बाई टू, तो ये भी क्या देगा वन देगा, वन प्लस वन टू इंटू टू फोर, आंसर फोर आया हुआ है, आसान क्वेश्चन है, कहीं ऐसा मिस्टेक हो जाए तभी आंसर गलत होगा, ये है आंसर इसका, क्लियर। तो ये मॉडुलस वैल्यू वाले क्वेश्चन है, तो ये जितना क्वेश्चन में अभी आपको बताया, मॉडुलस वैल्यू वाले जितने क्वेश्चन में बताया, ये सभी क्वेश्चन क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें एंगल में मार्ट था, अब मैं आपको बताता हूँ जब पूरे फंक्शन में मार्ट हो, जब पूरे फंक्शन में मार्ट हो तब हम उसको किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन से आपके मार्ट वाले क्वेश्चन की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। आई इक्वल टू क्वेश्चन है हमारा,
इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, 0 टू पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो क्वेश्चन बताया और इसमें क्या डिफरेंस है, वहां एंगल में मॉडुलस वैल्यू था, एंगल बस पॉजिटिव निगेटिव लेना था, यहां पर पूरा कॉस एक्स का जो पूरा वैल्यू है उस पर मॉड लगा हुआ है, इसको स्पेशल केयर करना थोड़ा। अब इसके लिए हमको क्या है, इसके लिए हमको देखना है कि हमारे जो फोर क्वाड्रेंट होते हैं, ये 0 से पाई बाई टू और पाई और ये 3π/2, तो आपको पता है यहाँ पर सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो 0 से पाई बाई टू के बीच में तो सब पॉजिटिव है, लेकिन ये पाई बाई टू से पाई के बीच में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और कास जो होता है वो निगेटिव होता है। तो यहाँ पर जब 0 से पाई तक हम इसको ब्रेक करेंगे, क्योंकि लिमिट हमारा क्या है, 0 से पाई है, तो नेचुरली 0 से पाई तक जब कास को ब्रेक करेंगे तो 0 से पाई बाई टू तक तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन पाई बाई टू से जब पाई में अप्रोच करेगा तो वहाँ पर उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम उसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे उसको ब्रेक करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई टू और मॉड ऑफ कॉस एक्स को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक बार ऐसे लिख दें, मॉड ऑफ कॉस एक्स डी एक्स और प्लस ये हो जाएगा पाई बाई टू टू पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, ये होगा दैट इक्वल। अब यहाँ पर देखो इस रेंज के लिए पॉजिटिव है तो हो जाएगा 0 टू पाई बाई टू कॉस एक्स डी एक्स, लेकिन इस रेंज के लिए क्या होगा, ये निगेटिव, तो माइनस हो जाएगा माइनस पाई बाई टू से पाई कॉस एक्स डी एक्स, ओके ये हो गया दैट इक्वल। अब यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स 0 टू पाई बाई टू माइनस ये साइन एक्स का कॉस एक्स का साइन एक्स, ये हो गया साइन एक्स पाई बाई टू टू पाई, दैट इक्वल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस साइन 0 माइनस यहाँ पर साइन पाई माइनस साइन पाई बाई टू, दैट इक्वल साइन 90 क्या होता है 1, ये हो गया 1 माइनस 0 और माइनस यहाँ पर साइन 180, साइन 180 क्या होता है 0 और माइनस ये हो जाएगा 1, दैट इक्वल इसको ओपन करें तो 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 1 होगा दैट इक्वल टू 2, दिस इज द फाइनल आंसर, 2 इज द राइट आंसर, ओके। तो ये हो गया मॉड ऑफ कॉस एक्स, सपोज यही क्वेश्चन मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स होता तो क्या करते हैं आप, तो ये भी पॉजिटिव होता, ये भी पॉजिटिव होता, ये भी पॉजिटिव होता, क्यों, क्योंकि साइन का वैल्यू 0 से क्या होता है 180 तक पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी और सेकंड क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश में भी और द्वितीय चतुर्थांश में, टेन कॉट सेक कोसेक जो भी हो इस तरह से बनेगा। तो ये मैंने आज के क्लास में आपको स्पेशली इवन ऑड फंक्शन और मॉड पर बेस्ड क्वेश्चन और एक स्पेशल पैटर्न है कि क्वेश्चन में ही आई क्रिएट कर देते हैं वो क्वेश्चन, ये तीन पैटर्न मैंने आपको स्पेशली बताया और ये क्वेश्चन बहुत इजी लगे होंगे, सब 5-4 स्टेप में मैक्सिमम 5-4-6 स्टेप तक में सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव में भी मार्ड वाले क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट पार्ट जो मैं आपके लिए लेके आऊँगा वो फिर इसका सबसे टिपिकल टाइप का क्वेश्चन होगा जो स्पेशल प्रॉपर्टी पर बेस्ड होगा और उसमें हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को हो सके तो कंप्लीट कर देंगे और लगेगा कुछ क्वेश्चन के पैटर्न छूट गए थे, आध क्लास और लेंगे। मैं लेंदी वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ मैथमेटिक्स का, क्योंकि मैं बहुत लंबा 20-25-30 क्वेश्चन डिफरेंट पैटर्न के सॉल्व कर दूँ तो मैं तो पढ़ा दूंगा लेकिन आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैथ्स पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन को पार्ट में सॉल्व किया जाए और जब इकट्ठा सबको रिवाइज करेंगे तैयार हो जाएगा। तो आप अच्छे से इसका रिवीजन करिए और फिर आगे के लिए मेरा इंतजार करिए, ओके थैंक यू।